अनिल बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, घर आ जा, अब तो तेरे इम्तिहान भी हो चुके। नानो मैं नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा सा हर्ट हुआ, अब सब ठीक है। तो फिर घर क्यों नहीं आ रहे? नानो मुझे यहाँ बहुत अच्छी जॉब की ऑफर हुई है, मैं जब यहाँ सेट हो जाऊंगा तो आपको भी यहीं बुला लूंगा। बेटा अब इस उम्र में मैं ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी, मुझे यही रहने दे मेरा बच्चा। बस नानो आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आता हूँ। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अली तुम्हारी खैरियत तो मालूम हुई। पता नहीं अमल अभी तक आई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यार ला खैर, क्यों क्या हुआ? इतना अजीब आदमी है वो, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या कह रही है बेटा? सही कह रही हूँ दादू, मुझे पहली मुलाकात में जिज करने की कोशिश कर रहा था, मैं कैसे अपनी सारी जिंदगी इस इंसान के साथ गुजारूंगी। अच्छा परेशान नहीं हो, शुरू शुरू में एक दूसरे का मिजाज समझने में दिक्कत तो होती है ना। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर, पहली मुलाकात में सब कुछ पता चलता है, और स्पेशली जब शादी के बाद पहली मुलाकात होती है इंसान अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करता है, अपनी अच्छी आदतें बताता है। लेकिन ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, हीरो है क्या?